वेलकम बैक, दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इडियम्स की श्रृंखला में बात हो रही है इडियम्स पार्ट 25। और फर्स्ट इडियम आपका है बर्न अ होल इन वन्स पॉकेट, यानी अपनी पॉकेट में छेद कर लेना। अगर आप पॉकेट में छेद कर लोगे तो क्या होगा, पैसा डालोगे पॉकेट में, नीचे गिर जाएगा। यानी आप पैसा बहुत तेजी से खर्च करते हो, इसका मतलब होता है स्पेंड मनी क्विकली, पैसा तेजी से खर्च करना। अगर आपको पैसा खर्च करना हो, बर्बाद करना हो, तो आप जेब में छेद कर लो और डालते जाओ पैसा। अगला है बीट अबाउट द बुश, मतलब होता है घुमा फिरा के कहना। तो ये होता है टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के कहना, बीट अबाउट द बुश। इसके लिए कहानी बना दो कि जैसे ये एक झाड़ी है, इसमें चोर छुपा हुआ है और एक पुलिस वाला उस चोर से मिला हुआ है और कई पुलिस वाले उसको ढूंढ रहे हैं। तो दरोगा जी कहते हैं, चोर देखो उस झाड़ी में तो नहीं है। तो जो चोर मिला हुआ वो आता है और इस बुश के आसपास, झाड़ी के आसपास डंडा लाठी पीटता है, कहता साहब नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, यानी कि वो इंसान क्या कर रहा है, इन अ राउंड अबाउट मैनर घुमा फिरा के बात कर रहा है। नेक्स्ट आपका है बिल्ड कैसल इन द एयर, मतलब होता है, यहां पर एयर का लीजिएगा, मतलब होता है हवा में महल बनाना। अब बताओ भैया, हवा में महल बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो क्या कर रहे हो, ये क्या है आपका, ये है आपका है अ विजनरी स्कीम, यानी काल्पनिक योजना। क्या कानपुर में जमीन बहुत महंगी हो गई है और पैसा हमारे पास है नहीं, तो हम हवा में अपना महल बना लेंगे। तो ये होता है एक काल्पनिक योजना बनाना। ब्रेक द आइस, अच्छा इसके लिए कहानी ये है कि जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, इंसान नहीं रहता है, पक्षी नहीं रहते हैं, जानवर नहीं रहते हैं, और जब धूप निकलती है तो बर्फ चटकती है, और जब बर्फ चटकती है तो बहुत तेज आवाज आती है। तो यानी कि कहीं पर अगर बहुत बड़ी खामोशी छाई हुई है, देखा होगा कभी कभी कुछ ऐसा मामला हो जाता है कि पूरे हाल में सन्नाटा छा जाता है, फिर अचानक कोई लड़का बोल पड़ता है, तो वो होता है ब्रेक द आइस, मतलब स्पीक फर्स्ट। ये हो जाता है टू स्पीक फर्स्ट, पहले बोलना होता है ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। ब्रिंग टू बुक, इसका मतलब होता है टू पनिश। अब देखिए इसके पीछे की मैंने कहानी क्या बनाई, पनिश होता दंड करना, कहानी क्या बनाई, इस बुक को बना लो कि हर थाने में एक FIR की बुक होती है, FIR की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बुक होती है। और अगर कोई इंसान चोरी करता है और अगर थाने की उस FIR बुक में उसका नाम आ जाता है, तो ब्रिंग टू अगर नाम आ जाता है, फिर उसको पनिशमेंट जरूर मिलता है, फिर कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ब्रिंग टू बुक होता है टू पनिश करना, दंडित करना। इस तरह से कहानी बना लीजिएगा। अगला है ब्रीथ लास्ट, अब देखिए अंतिम सांस लेना, और सबको पता है कि हमारी सांस जब अंतिम होती है तो क्या हो जाता है, डाई, मर जाना, ब्रीथ लास्ट कहलाता है। और अगला है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, बच्चों बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस का मतलब होता है पिछली सीढ़ियों से अपना कुछ दबदबा दिखाना। जैसे देखा होगा अपने हिंदुस्तान की खास दरबास होती है कि सपोज कोई मंदिर है और उस मंदिर में दर्शन करने के लिए
हजारों लोगों की भीड़ होती है, सब लाइन लगा के खड़े होते हैं और जय माता दी चिल्लाते रहते हैं, घंटों इंतजार करते रहते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़े नेताजी आते हैं और उन नेताजी के लिए इस मंदिर का पिछला दरवाजा खोल दिया जाता है और वो बैक स्टेज पिछली सीढ़ियों से आकर के दर्शन करते चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये जो आगे लोग खड़े थे इनके लिए दरवाजा खुल जाता है। तो ये हो जाता है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, मतलब होता है अनुचित साधनों से कोई काम करना, बाई अनफेयर मीन्स, बाई अनफेयर मीन्स होता है बैक स्टेयर्स मीन्स। और ये हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा होता है, अमेरिका वगैरह में नहीं होता, वहां पर सबके लिए कॉमन रूल रहते हैं। अगला है वर्ड्स आई व्यू। अब देखिए कैसे याद करोगे, पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो वहां से उसका व्यू बहुत छोटा होता है, लेकिन जब उस नजर से देखता है सब कुछ संक्षिप्त दिखता है, ये हो जाता है कंसाइज। वर्ड्स आई व्यू मतलब होता है बहुत संक्षिप्त व्यू, हो जाता है कंसाइज व्यू। बच्चों कंसाइज मीन्स होता है संक्षिप्त। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड शॉक। बच्चों शॉक का मतलब होता है सदमा, और अनएक्सपेक्टेड बनाया गया एक्सपेक्टेड से, एक्सपेक्टेड होता है आशा से भरा हुआ, अप्रत्याशित शॉक, अचानक कोई शॉक लग जाना, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ये क्या होता है, जैसे पता चला मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूं और खबर आ जाए कि सर आपकी बाइक चोरी हो गई, तो ये क्या होता है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड शॉक। याद कैसे करोगे, बोल्ट होता है चमक आना, लाइटनिंग, ब्लू होता है स्काई, जैसे आकाश में देखा होगा जब अचानक बिजली गरजती है तो वो अचानक एक शॉक लगता है, तो वो होता है, तो बिजली की गरजना जैसे कोई काम हो जाना, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। और लास्ट है आपका आज का ईट वर्ड्स, यानी अपने शब्दों को खा जाना। तो शब्दों को खाना का मतलब होता है, टेक स्टेटमेंट बैक, अपने स्टेटमेंट को वापस ले लेना या रिट्रैक्ट कर लेना, होता है ईट वर्ड्स। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट इडियम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इडियम्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।